चलने पाया। इस तरह की हालात की मारी बच्चियां सद्भावना के तहत चल रहे बसीरे तबस्सुम से काफी मुतमईन है। इशरत के वालिद हालात के शिकार क्या हुए कि वो जिंदगी की आस खो बैठी, लेकिन फौज के बसीरे तबस्सुम ने उसे आगे बढ़ने के मौके फराहम किए। अब 94 में वो गुजर गए, मेरी डी ओ पी 93 है। तो मिलिटेंट थे, फिर पापा को सारे बताते थे कि ये ठीक नहीं है कि आपकी फैमिली जो है वो इधर उधर फिरती रहती है, ठीक नहीं रहता है, और आपकी बीवी भी छोटी है। अभी वो सरेंडर करने वाले थे, फिर उनको मिलिटेंट लोगों ने, जो अपने आदमी थे, उन्होंने सुना कि ऐसे करने वाला है, उनको शायद 12 लोगों के मतलब बड़ा था वो। तो फिर उन्होंने उसको कहीं पे बुलाया, करालगुंडा में कहीं पे, तो फिर वहीं पे उसको शहीद कर दिया उन्होंने। हमारी मम्मी ने इतना बर्दाश्त किया शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाती। तो फिर मैं यहाँ पे आई 10th पास करके, यहाँ पे बहुत कुछ देखा, फिर बाहर गई एक साल 2009 में, 2008 में मैं इधर आई, 2009 में बाहर गई। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिली, मतलब हर सोच के लोग मिले मुझे वहाँ पे एजुकेशन दिए, लोगों का रहन सहन देखा, सब कुछ देखा वहाँ पे। तो फिर इंसान को ये लगता है कि मुझे क्या करना है जिससे मैं आगे जाऊंगी, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, लड़की के लिए मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सब कुछ मिलता है जो घर में नहीं मिल सकता है। मैं पूना गई, मुंबई गई, बाहर गई, तो अगर मैं घर में होती तो शायद मैं ये नाम सुन भी नहीं पाती कभी। तो यहाँ पे आके मैंने देखा भी और बहुत कुछ सीखा भी वहाँ पे। और जैसे मेरी बहन वहाँ पे अभी पढ़ रही है पुणे में, तो अगर वो घर में होती तो उसके दिमाग में ना ही आता कभी मैं पुणे बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए, ना ही कभी ये सपना पूरा हो सकता था उसका। जेरूसी चिनार कॉर्पस के जनरल एस अता हसनैन के रोल को फरामोश नहीं कर सकती, जिन्होंने इस सेंटर के लिए हर मुमकिन ताऊन देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी का एक इस टाइम हमारे साथ मतलब अच्छे से सपोर्ट है। अभी हम जो घर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसमें भी आर्मी हमें मदद कर रही है। रोड नहीं है वहाँ तक, यहाँ के जीओसी ने कहा कि वो निकाल के देंगे। यहाँ पर जनरल अता हसनैन भी आए थे, वो भी काफी इंटरेस्टेड है इस काम से। उसने कहा जो काम आप कर रहे हैं वो भी हम, मुझे 2008 से हमें जानते हैं, तो तब से उसको इस घर के साथ अच्छा एक मतलब ये रहा कि एक रिलेशन रहा कि नहीं इस घर को सपोर्ट करना ही है क्योंकि कुछ अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी चीजें दी उन्होंने, यहाँ पर राशन देते हैं, केरोसिन देते हैं यहाँ पर, और अभी जो सद्भावना के थ्रू वो लोग हमें यहाँ पर बाकी चीजें भी देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि उन्होंने सोलर 4 लाइटें यहाँ पर देने वाले हैं, 20 लॉकर देने वाले हैं, और वॉशिंग मशीन देने वाले हैं, कंप्यूटर 1 देने वाले हैं, जनरेटर भी दिया, बाकी चेयर वगैरह भी दिया। और उनकी तरफ से हमें यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट, उनकी तरफ से एक डॉक्टर आती है हमारे घर पे 15 दिन के बाद, और मेडिसिन वगैरह वो सब कुछ देखती है। और उनके हॉस्पिटल में जाके हम अपने बच्चों का दांतों का चेकिंग वगैरह सीकिंग वगैरह वो करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे का वालिद मर गया तो उसकी माँ ने दूसरी शादी रचाई, उनमें मीर मुशरफ की माँ भी है, लेकिन मुशरफ को उस घर में रहने के बजाय बसीरे तबस्सुम में इज्जत मिली। हम दो बहनें हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। 2006 में हम यहाँ पे आए और बसीरे तबस्सुम में, और हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मुझे ये लगता है कि जब मैं घर में होती मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाती, और घर में था ही नहीं कोई ऐसा। मम्मा ने दूसरी शादी की, हम अकेले मत रह सकते थे वहाँ पे। मम्मा के साथ साथ जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, वो कि वहाँ पे दूसरों के घर में अगर और को अगर वो हमें अपना कुछ रिश्तेदार रिलेटिव कुछ होता तो हम जाते। बच्चियों के लिए तालीम के मौसर इंतजाम के साथ साथ इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए हर 15 दिन के बाद फौज की तरफ से उन्हें एक लेडी डॉक्टर मेडिकल चेकअप करती है। यहाँ पे मैं हर 2 हफ्ते में एक बार, यानी 15 दिन में एक बार मैं यहाँ आती हूँ, और बच्चों का जो बेसिक मेडिकल चेकअप है वो करना मेरा काम है यहाँ पे, और अच्छा लगता है यहाँ आना। फौज की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे ऐसा सोशल वर्क करने को मुझे मिल रहा है जो शायद नहीं मिलता आमतौर पे। हम अपना जो काम करते हैं रेगुलर वो करते हैं, और उसके अलावा यहाँ के बच्चों को देखना, छोटे छोटे
ऑर्फनेज है वहाँ के काम करना, दिल को भी खुशी मिलती है और अपना जो प्रोफेशनल काम है वो भी साथ के साथ होता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों की जो बेसिक हाइजीन है उसका देख रेख करते हैं। छोटे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे हैं 4 साल से 18 साल तक। जो टीनेज लड़कियां हैं उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे खुल के बात कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक हाइजीन